अपडेट आपके लिए तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सऊदी अरबिया के ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट मुरूर के तरफ से इकामा और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड एक अहम जानकारी दिया गया है खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सऊदी अरबिया का ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो और फाइनल एग्जिट चला गया हो और दोबारा किसी नए वीजा पर सऊदी अरबिया आया हो तो उस कंडीशन में कैसे व अपने नए एकामा के साथ पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट कर सके इसी से रिलेटेड ट्रैफिक डिपार्टमेंट मुरूर के तरफ से यह अपडेट जारी किया गया है अगर आप सऊदी अरबिया से फाइनल एग्जिट पर अपने मुल्क चले गए हैं और दोबारा सऊदी अरबिया आने को सोच रहे हैं या आ चुके हैं और ख़ास तौर पर आपका सऊदी अरबिया का ड्राइविंग लाइसेंस हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है अगर आपका कोई रिलेटिव या दोस्त हाल के दिनों में सऊदी अरबिया गया हो तो आप जरूर मेरे वीडियो को उन तक शेयर करें ताकि उनको यहाँ के रूल और रेगुलेशन के बारे में जानकारी मिले और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम में आए हैं मेरे चैनल को सपोर्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले चलिए जानते हैं क्या है नया अपडेट सऊदी अरबिया के अंदर नए वीज़ा पर आने वाले लोगों के लिए पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को नए एकामा के साथ अपडेट किया जा सकता है तो सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट नए वीजा पर आने वाले ड्राइवर जिसके पास सऊदी अरबिया का ड्राइविंग लाइसेंस हो उसे यह इन्फॉर्मेशन दिया है नए एकामा नंबर के साथ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट मुरूर से संपर्क करे उसके बाद मुरूर ने इस बात को भी क्लियरिफाई किया है की कि अगर उसका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया हो तो उस ड्राइविंग लाइसेंस को भी कैसे अपडेट किया जाएगा उसके बारे में भी जानकारी दिया है नए वीज़ा पर आने वाले ड्राइवर या वह व्यक्ति जिसके पास सऊदी अरबिया का ड्राइविंग लाइसेंस हो तो उसे चाहिए कि अपना बकाया राशि को जमा करे जो फाइन उस पर लागू किया गया है उसे जमा करे और फिर अपना मेडिकल कर चेकअप करवा ले उसके बाद नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए इकामा नंबर के साथ मुरूर डिपार्टमेंट में अप्लाई करे उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से यह भी सवाल किया था कि बहुत सारे फॉरेनर जो सऊदी अरबिया के अंदर विजिट वीज़ा पर आता है और उसके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो तो क्या उस कंडीशन में वह सऊदी अरबिया के अंदर ड्राइविंग कर सकता है इसी सवाल के जवाब देते हुए मुरूर ने कहा है कि अगर उसके पास वैलिड तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वह सऊदी अरबिया के अंदर एक साल तक ड्राइविंग कर सकता है कुछ दिन पहले ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट मुरूर ने लोगों को यह वार्निंग दिया है कि टेम्प्रोरी ड्राइविंग लाइसेंस को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं माना जाएगा दोस्तों मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है आप सऊदी अरबिया से रिलेटेड नए नए न्यूज को सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे